युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 10 साल बाद होगी छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों की भर्ती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट करके इसको लेकर जानकारी दे दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, नगर सैनिकों की भर्ती होने जा रही है छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर संभाग में 465 पदों पर भर्ती होगी। 200 पुरुष और 265 महिला नगर सैनिकों की भर्ती की जाएगी। 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भर्ती की कार्यवाही पूरी की जाएगी। सीएम ने भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी है। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस दर जानकारी के लिए। अनमोल, बड़ी खबर है युवा रोजगार से जुड़ी हुई और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जानकारी भी दी है। क्या काम रहेगा जिनकी भर्ती होने जा रही, बताइए विस्तार से। बिल्कुल विवेक, देखिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 465 पद पर जो ये भर्ती होने जा रहा है और 10 साल के बाद ये भर्ती होगी, तो आप समझिए इस लिहाज से कितनी बड़ी खबर है कि लगातार रोजगार की मांग करते हैं युवा। इस बीच में अब सरकार देखिए भर्ती निकालने जा रही है नगर सैनिक को लेकर के, और इसमें देखिए खास बात यह है कि महिलाओं की जो सीट है वो काफी ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। 265 महिला नगर सैनिक जो है वो इस पद पर तैनात होंगी। और बड़ी बात क्या है कि सीएम ने खुद जो है इस भर्ती के लिए निर्देशित किया है अधिकारियों को। और देखिए नगर सैनिक होता क्या है, इस चीज को मैं बता देता हूं आपको। देखिए नगर सैनिक जो होता है वो पुलिस के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में भी उनकी अहम भूमिका होती है। इसके अलावा जो बड़े बड़े सरकारी बंगले होते हैं वहां पर इनको तैनात किया जाता है ताकि जो भी वहां सुविधा हो उसको मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा जो अलग से जो पुलिस स्टेशन हो गया, चाहे अगर गांव की बात करेंगे, अगर कुछ बड़ा आपदा आता है तो उसमें भी जो है इनका बिल्कुल यानी कि कई बड़ी भूमिका होती है। बहुत शुक्रिया आपका अनमोल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।